हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत। तो चलिए आज इसी गर्मा गर्म बेसन के हलवे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होने वाला है। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। गर्मा गर्म बेसन का हलवा ठंड में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसको बनाने के लिए पैन ले लिया है और उसमें मैंने 2 सर्विंग स्पून, देख सकते हैं आप, बड़े वाला मैंने करछी इसमें देसी घी ऐड किया है। तो थोड़ा सा इसमें देसी घी ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। और 1 कटोरी मैंने बेसन ले लिया। किसी भी कटोरी या कप से आप बेसन को नाप लें और बेसन को छान के आप इसमें यूज़ करें। फ्लेम को इस टाइम मीडियम हाई रखेंगे और बेसन और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बिल्कुल भी आपको नहीं बहुत ज़्यादा करना है, तो इसको धीरे धीरे हम बेसन को भुनने देंगे जिससे इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाएगा। क्योंकि आप इसको अगर हाई फ्लेम पे भून देंगे तो बेसन ऊपर से तो जल जाएगा बट यह अंदर से कच्चा रह जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे इसको थोड़े से पेशेंस के साथ हम बेसन को भून लेंगे। जितना ज़्यादा आप अच्छा सा बेसन को भून लेंगे मीडियम लो फ्लेम पे, उतना ही ज़्यादा ये अच्छा बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसमें 1 चम्मच सूजी ऐड की है। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। थोड़ी सी इसमें सूजी ऐड करेंगे तो वो बेसन का जो हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो 1 से 2 मिनट हो चुकी हैं, आप बेसन को देख सकते हैं भूनते भूनते मुझे, और इस तरीके से इसमें छोटे छोटे दानेदार ये तैयार हुआ है। तो इसको स्पैचुला से मैश करते रहेंगे और लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे हम। बेसन में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आने लगी है और धीरे धीरे बेसन देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगा है। तो हल्का सा जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा तब तक इसे भूनना है। इसमें से खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आने लगती है भूनने के बाद। और ये बेसन का हलवा कोल्ड में, जिसको कोल्ड हो जुकाम होता है उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो अगर आप बेसन के हलवे में थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करके आप इसको लेते हैं तो उससे जो कोल्ड है हमारा जल्दी से ठीक हो जाता है। तो थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, काजू, बादाम और किशमिश। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसको बनाएंगे ना तो यकीन मानिए गाइस, ये बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ड्राई फ्रूट मैंने थोड़े से बेसन को भूनने के बाद इसमें ऐड किए हैं जिससे जो हमारे ड्राई फ्रूट है वो भी इसके साथ अच्छे से भून जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिस कटोरी से मैंने बेसन को नापा था उसी कटोरी से नाप के मैंने इसमें 4 कटोरी पानी ऐड किया है। इसको धीरे धीरे, पहले मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है तो इसको लम्स फ्री कर लेंगे अच्छे से। इसको लगातार चलाते रहेंगे, खास से पानी इसमें ऐड करते रहेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स नहीं रहे, और इसको मिक्स कर लेंगे तो बाकी बचे पानी को भी इसमें ऐड कर देंगे और लगातार इसको एक हाथ से चलाते रहेंगे। फ्लेम को इस टाइम बिल्कुल लो रखेंगे क्योंकि जो बेसन है वो एकदम से जमने लगता है। उसी कटोरी से नापते हुए मैंने 1 कटोरी इसमें चीनी ऐड किया और इतना मीठा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़े से मैंने इसमें कलर अच्छा आ गया है इसलिए मैंने केसर ऐड किया है और 2 मैंने इलायची का पाउडर बना के इसमें ऐड किया है। देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये तैयार हो चुका है। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद भी हल्का सा ठीक हो जाता है। तो गर्मा गर्म बेसन का हलवा देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है विंटर में। तो आ रहा है ना मुँह में पानी, तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इस विंटर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बेसन का हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हलवा पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस रेसिपी को कब ट्राई कर रहे हैं? आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।